दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दो प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे SSC GD वाली प्लेलिस्ट के अंदर। और इन प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके अभी हाल फिलहाल के अंदर 2022 की एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। तो एक भी प्रैक्टिस सेट आपको मिस नहीं करना है और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक चलने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको SSC GD की एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार आप जहाँ से भी रीजनिंग पढ़ रहे हो उनके प्रैक्टिस सेट लगाकर देखना और इन प्रैक्टिस सेट को लगाकर देखना, आपको दिन रात का फर्क देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट है, आपको एक भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए यहाँ पर टाइमर भी ले लिया है। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर टाइमर लगाया करो, तो आज मैंने टाइमर भी आपके लिए लगा दिया है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप SSC GD के प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से आपके TCS पैटर्न बेस्ड है, और इन प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 30 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवाएंगे टिल एग्जाम तक। अब फिलहाल 9 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपको रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डेमो लगाकर आपको जरूर देखना है, ठीक है। आपको डिफरेंस अपने आप यहाँ पर पता लग जाएगा। जितनी हेल्प दिल्ली पुलिस वालों की हुई है, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मनीष चल AWTPO के अंदर और इस एग्जामिनेशन के अंदर 60 से 70% क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज से देखने को मिले थे, तो उनको भी काफ़ी हेल्प हुई। और हम आशा करते हैं SSC GD वालों को भी इन प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप एक बार डेमो लगाइए और देख सकते हैं किस प्रकार के आपके लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और टाइमर आपका हो गया है चालू। यहाँ पर सॉल्व करिए इसको। चलिए भाई, टाइम ओवर हो चुका है और आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका लॉजिक देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है पहले तो, ठीक है, फिर इसको सोल्व करना है आगे। जैसे कि दिए गए सेट की संख्याएं हैं और ध्यान आपको देना है, जो आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है वो कंप्लीट पूर्ण संख्या पर लगाना है, वो नंबर पर लगाना है, इनको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे 1 और 3 हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक काफी आसान है, हमें 77 लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। तो 77 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 11 गुना 7, ठीक है। तो 11 तो हमारे पास है, हम लेकर आएंगे अब 7। तो 7 कैसे आएगा, जो मिडल वाली संख्या है इसको 2 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको 7 से, आपके पास थर्ड वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, मिडल वाली नंबर को 2 से डिवाइड करके फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास थर्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ऑप्शन है उनके अंदर चेक कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाले के अंदर देखिए लॉजिक लग रहा है क्या, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6, ठीक है। और 14 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 84। तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ को चेक कर लो, 15 को 2 से डिवाइड करो और 12 से गुना करो तो कितना आएगा आपके पास, 90, ठीक है। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, और 7.5 को 12 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/2, तो 2 को 6 से करेंगे, 15 6 90, तो यहाँ पर लॉजिक फिट हो गया। नेक्स्ट आपका 15 14 105, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले कितना आएगा आपके पास, 7, और गुना करेंगे 15 तो कितना आएगा हमारे पास, 105। ऐसे ही इसके अंदर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 13 गुना 8 104। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर ये लॉजिक आपका नहीं लगा, तो यही आपका आंसर होगा, आपका भी सही जवाब होगा, हार्ड लॉजिक इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और समय का पहिया चल पड़ा है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है।
चलिए भाई, टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वही यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले के अंदर लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले तो इन नंबर्स को देख लो, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। दोनों का एड, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 किया तो हमारे पास क्या आया, 12। यहाँ पर 5 प्लस 2 किया तो हमारे पास क्या आया, 7। यहाँ पर 3 प्लस 5 किया तो हमारे पास क्या आएगा, 8। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लेटर क्लस्टर के ऊपर लॉजिक देखेंगे, क्या लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका कैन, यहाँ पर है आपका ईईटी। तो सी होता है आपका 3 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है आपका 14 पर, ई होता है 5 पर, ई 5 पर, टी 20 पर। तो यहाँ पर देखिए +2, यहाँ पर देखिए +4, यहाँ पर देखिए +6। ठीक है, तो 2, 4, 6 प्लस प्लस यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट वाले के अंदर आप चेक कर सकते हैं, 13 प्लस 2 15, 13 प्लस 2 यहाँ पर कितना हो रहा है, 15। ठीक है, यहाँ पर यू 21 और वाई 25, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 6। नेक्स्ट वाले के अंदर 7 और 6 13, तो 2 4 6 यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर लॉजिक अपना देख लो, बॉक्स बी 2 पर, ओ 15 पर, एक्स 24 पर। तो यहाँ पर जोड़ो, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, यानी कि डी। फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट वाले के अंदर 4 जोड़ेंगे, 15 प्लस 4 19, यानी कि एस। 19 पर क्या होता है आपका, एस। 24 में 6 जोड़ेंगे यानी कि 30, यानी कि 4, तो फिर आएगा हमारे पास दोबारा से डी। तो 8DSD इसका आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और समय का पहिया चल पड़ा है। चलिए भाई, टाइम ओवर हो चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन में किसी एक चीज को फोकस किया करो। सबसे पहले मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को फोकस करता हूँ। नेक्स्ट वाले के अंदर ये इस कोने पर आ गया है, ठीक है, रोटेट हो गया ही। नेक्स्ट वाले के अंदर इस कोने पर आ गया है, इससे अब इससे अगले वाले में ये इस कोने पर आएगा। तो इस कोने पर कहाँ कहाँ पर आपका त्रिभुज, बी ऑप्शन, सी और डी के अंदर, ए के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रोटेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। पहले इस प्रकार से रोटेट हुआ, फिर ये आपका इस प्रकार से रोटेट हुआ, अब कहाँ पर रोटेट होगा, ये इस प्रकार से। और ये जो आपको फीलिंग दिख रही है वो इस साइड के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये किस किस ऑप्शन के अंदर है, बी में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास सी और डी बच गया है। अब बीच वाले को फोकस करो, तो ये इस साइड रोटेट हुआ तो यहाँ पर आ गया, अब ये इस साइड रोटेट हुआ तो यहाँ पर आ गया, अब ये कहाँ पर रोटेट होगा, इस साइड रोटेट होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फेस किस साइड में, इस साइड में इसका फेस आ जाएगा। तो किस ऑप्शन के अंदर है, सी में तो है ही नहीं, डी में इस साइड फेस है, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो फटाफट से इसका डी ऑप्शन लगाएंगे और अपना नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा, ये आपको बताना है। चलिए भाई, समय का पहिया चल पड़ा है। तो भाई, समय का पहिया रुक चुका है। चलिए लॉजिक देखते हैं, इसके अंदर क्या लॉजिक आपका लग रहा है। सभी ने कर लिया होगा, इसको पकड़ो। सबसे पहले ये नीचे आया यहां पर, फिर ये यहां पर आया, फिर कहां पर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, किस कोने पर, इस कोने पर। इस कोने पर कहां कहां पर है, बी में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में ये देखो आपका सर्कल, ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पर आया, अब ये नेक्स्ट वाले के अंदर कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, बी कहाँ पर है, इस साइड में, ए और सी के अंदर।
डी के अंदर नहीं है तो आपका आंसर नहीं होगा। अब यहां पर देखो बीच वाले को, यहां पर जो रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री का रोटेशन ले रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर आया आपका रोटेशन, देखो ना यहां पर। अब कहां पर आया, नेक्स्ट वाले के अंदर, यहां पर। अब नेक्स्ट वाले के अंदर 90 का ही रोटेशन लेगा, ठीक है, 90 का ही रोटेशन लेगा तो कहां पर आएगा, इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर आएगा। तो इस साइड के अंदर किस किस ऑप्शन के अंदर है, आपका ए ऑप्शन यहां पर बच गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट होगा, 90 के रोटेशन के साथ यहां पर आएगा गोल धारा, जो आपका सर्कल है वो यहां पर, और जो आपका ये आपका जो ये रेक्टेंगल है ये इस साइड में आएगा, ठीक है। तो आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, इतना हार्ड लॉजिक यहां पर भी नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, ये आपको बताना है। समय का पहिया चल पड़ा है। चलिए भाई, समय का पहिया रुक चुका है, लॉजिक आपको पता ही होगा और आपने पता लगा लिया होगा। यहां पर कितना हो रहा है आपका, +4, यहां पर कितना हो रहा है, +4, यहां पर कितना होगा आपका, +4। तो L में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 पर होता है हमारा P, ठीक है। P में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 और T यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट 19, यहां पर कितना है आपका, क्या वो कितने पर होता है, 17 पर, तो यहां पर कितना हुआ, -2। फिर 17 से 15 पर -2, फिर 15 से -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13, यानी कि M आएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। M में से -2 करेंगे तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, 11 पर होता है आपका K, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखो जेड, तो जेड में यहां पर कितना जोड़ा आपका, 2 जोड़ा, तो जेड में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास बी, बी में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास डी, डी में 2 जोड़ेंगे तो डी कितने पर होता है आपके पास, 4 पर, तो 4 में 2 जोड़ेंगे, 6, 6 पर होता है एफ, ठीक है। और एफ में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि एच। तो किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर, और आगे चेक भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पर चेक करो तो बी से डी +2, डी से एफ +2, एफ से, एफ में +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8, लास्ट में क्या आएगा, एच, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 10, 10 पर आएगा आपका जे। तो ये इसका आपका राइट आंसर बनेगा, सभी का सही हो गया आंसर। नेक्स्ट, समय का पहिया चल चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं इनको लिख लेता हूं तब तक। शैल को लिखा जाता है नेड बिन ट्रियो वी सिंग एंड डांस, तो आपका टाइम यहां पर खत्म होता है। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं जब तक मैं इसको लिखूं। इसको लिखा जाता है शैल वी डांस टुडे को, ये लिखा जाता है वी सिंग एंड डांस को, ये लिखा जाता है सिड पैट कैम नेड, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग को लिखा जाता है जिक फे रिप और सिड,
ठीक है, तो आपको एंड का यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर कोड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को मैच करो पहले। यहाँ पर आपका वी है, यहाँ पर वी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन होगा वही आपका राइट हैंड साइड में भी कॉमन एक चीज जरूर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस साइड भी कॉमन है। नेक्स्ट और यहाँ पर क्या है, डांस और डांस कॉमन है, तो यहाँ पर एक और कॉमन मिलेगा आपको, पेट। फिर आता है आपका सिंग, एंड का पूछा है ना, सिंग और सिंग थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, और थर्ड और फोर्थ में और क्या चीज हमारी कॉमन है, सिड और सिड कॉमन है। ठीक है, अब हमें हमसे पूछा गया था एंड का, तो एंड का एक ही बच गया हमारे पास, कैम। ठीक है, तो एंड का कोड होगा यहाँ पर कैम, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सभी ने कर लिया होगा। चलिए भाई, सिलोजिस्म का क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या बोला, कुछ रोशनी पंखे हैं, कुछ रोशनी, ये होगी रोशनी, पंखे हैं, सेकंड बोल रहा है सभी पंखे स्विच हैं, सभी पंखे जो हैं वो क्या है आपके स्विच हैं। अब बोल रहा है सभी तार रोशनी हैं, सभी तार जो हैं वो क्या है रोशनी है। अब निष्कर्ष यहां पर देखो एक एक करके, सभी तार पंखे हैं, क्या सभी तार पंखे हैं, क्या बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कुछ तार स्विच हैं, कुछ तार स्विच हैं क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ ओवरलैप, नहीं, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ रोशनी स्विच हैं, कुछ रोशनी जो है स्विच हैं, ओवरलैप कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर, तो कुछ रोशनी स्विच यहाँ पर हो जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फोर्थ, केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण यहाँ पर करता है, ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर, समय का पहिया चल पड़ा है। चलिए भाई, क्या बोल रहा है, आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं भाई ये, ठीक है, केवल दो व्यक्ति जी के दाएं बैठे हैं, केवल दो ही व्यक्ति हैं जो आपके जी के दाएं बैठे हैं, तो यहाँ पर बिठाएंगे। केवल तीन व्यक्ति बी और जी के बीच में बैठे हैं, तो इस साइड में तो आपका जो बी है उसको बिठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन पोजीशन आपके नहीं है, तो बी को कहाँ पर बिठाएंगे, तीन व्यक्ति बीच में है बी और जी के, तो यहाँ पर हम बिठाएंगे बी को। अब नेक्स्ट है ई सी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, अब हम इनकी जो पोजीशन है वो नहीं पता, तो अब हम इन्हें नहीं बिठा सकते हैं अभी। नेक्स्ट बोल रहा है, और बी बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है, अगर हम यहाँ पर ए को बिठा दें, ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है उसको नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ई जो है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को यहाँ पर बिठाएंगे तभी तो ई बी और ए का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिठाएंगे किसको, ई को। अब हमें यहाँ पर पता लगा है कि जो ई है सी के बाएं से चौथे स्थान पर है, सी के बाएं से चौथे स्थान पर है, सी को यहाँ पर बिठाएंगे और चौथे स्थान पर आपका हो जाएगा ई, 1 2 3 4, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट दे रखा है डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर जो है डी को हम नहीं बिठा सकते हैं, ऐसा बोल दिया है। नेक्स्ट बोल रखा है डी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है, डी जो है वो एच के दाएं से कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, अगर हम एच को यहाँ पर बिठाएं तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नहीं बता सकते हम, नहीं बता सकते ना,
नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर ए बैठा है, तो डी को कहाँ पर बिठाएंगे? डी को बिठाएंगे यहाँ पर, एच को, सॉरी एच के दाएं से है ना, तो यहाँ से चौथा स्थान कौन सा हो गया? दाएं की तरफ, ये हो गया डी, यहाँ पर बैठ गया आपका डी। बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर डी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, एक दो और तीन। अब हमारा एक यहाँ पर बच गया कौन? एफ, तो एफ को यहाँ पर बिठा देंगे। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन सा बैठा है? ये आपका कौन सा है? लेफ्ट है, ये आपका राइट। तो आपसे दायां पूछा है, तो दायां कौन सा है? राइट, और राइट में हमारा बैठा है डी, ठीक है, और लेफ्ट लेफ्ट साइड में बैठा है हमारा, ये बैठा हमारा लेफ्ट साइड में एफ, और राइट साइड में बैठा हमारा डी, दाएं साइड पर बैठा है डी। ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, समय का पहिया चल पड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है टॉय 91 से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, इसी प्रकार प्लेट जो है 85 से संबंधित है, इसी तर्क के अनुसार ब्लैंकेट का संबंध निम्न में से किससे है? अच्छा लॉजिक है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए भाई, टॉय के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं आपके? तीन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, कितना आएगा हमारे पास? 51। ऐसे ही प्लेट के अंदर कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, कितना आएगा हमारे पास? 85। ब्लैंकेट के अंदर कितने लेटर हैं आपके? एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो 7 को 17 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 119। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा था, काफी एक्सीलेंट लॉजिक था ये, ठीक है। और इसी लॉजिक के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 2022 के अंदर, ठीक है, कई बार क्लिक नहीं करते हैं उसी टाइम के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, समय का पहिया चला देते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि m प्लस एन का अर्थ है एम एन का पिता है, m माइनस एन का अर्थ है एम एन का भाई है, m परसेंटेज एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है, m गुना एन का अर्थ है एम एन की माता है, तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि एफ डी की नानी यानी माँ की माँ है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को उठाइए, एफ गुना जी, तो एफ गुना जी को क्या लिखा जाता है? एफ जो है वो जी की माता है, एफ जो है वो जी की क्या है? माता है, ठीक है। जी परसेंटेज बी, जी परसेंटेज बी का मतलब क्या हो गया? जी जो है वो बी की पत्नी है, तो बी क्या है? इसका हस्बैंड, और जी जो है वो है इसकी पत्नी। नेक्स्ट आपका बी प्लस डी, तो बी प्लस डी का अर्थ क्या है? बी डी का पिता है, बी जो है वो डी का पिता है, बी जो है वो डी का पिता है, तो ये इसकी यहाँ पर पुत्र या पुत्री है, ये हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए एफ डी की नानी है, ये हमें बताना है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिट हो गया, ये इनके क्या है? फादर हैं, और ये क्या है? इनकी मदर, और मदर की मदर क्या है? आपकी एफ, तो एफ जो है वो डी की यहाँ पर क्या है? नानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ही यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो भाई, समय का पहिया चला देते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना यहां पर पड़ेगा? चलिए भाई,
चलिए फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर भाग और माइनस को। तो 184 गुणा 8 प्लस 24 माइनस 4, यहाँ पर आएगा आपका भाग 72, ठीक है। ये आना चाहिए हमारे पास 47। तो इसको अगर हम इसको अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 चौक 32, असल 3, 8 2 8 64 और 3 67, 6 8 1 8 और 6 14। तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ से आपका आंसर आएगा। फिर आता है आपका, सबसे पहले हमें ये करना था ना, डिवाइड करना था, चलो अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/72, तो 4/72 कितना हो जाएगा आपका, 1/18। तो यहाँ से कुछ आपको 47 आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब मैं इन क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करता हूँ, पहले फर्स्ट को देखता हूँ और उसके बाद लास्ट को देखता हूँ। अब मैं देखूंगा यहाँ पर लास्ट फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करने चाहिए, एग्जामिनर इन क्वेश्चंस के ज्यादातर फर्स्ट या फोर्थ आंसर रखता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम दो तो पहले फर्स्ट को चेक करो, अगर आपको लगता है कि ये फिट बैठ सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट को चेक करो, फिर अपना लास्ट से चेक करो फोर्थ से, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं लास्ट को, 184 गुणा की जगह, मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लेना है यहाँ पर, डिवाइड, प्लस एज इट इज, ठीक है, गुना 4 माइनस 72, ये आना चाहिए हमारे पास 47। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 8 दूनी 16 और 8 या 24 प्लस, अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 24 चौके 96 माइनस 72 बराबर कितना, 47। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12 माइनस 72। तो यहां पर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, कहीं गड़बड़ी कर दी क्या, नौ में से दो घटाएंगे तो 7, और 12 में से अगर 7 घटाते हैं तो 5, कहीं गड़बड़ी कर दी क्या, 188 गुना की जगह भाग, यहां पर 8 आ गया, ठीक है, फिर प्लस, फिर आ गया 24, भाग की जगह हमने कर दिया गुना, भाग की जगह गुना -72 बराबर 47, 8 दूनी 16, 8 या 24 प्लस, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 9 आ गया आपके पास, -72। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो, यहाँ पर 119 आएगा भैया, यही तो सोचूं मैं कहाँ गड़बड़ी हो रही है, एक सेकेंड, यहां पे आएगा 119, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 47। तो LHS बराबर क्या है हमारे पास, RHS आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, चलो समय का पहिया चल चुका है, चलो भाई जो लॉजिक यहाँ पर है वही यहाँ पर है और यहाँ पर आपको बताना है। तो फर्स्ट वाले के अंदर लॉजिक देखो, क्या लॉजिक है इसके अंदर, पेन ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, कितने पर होता है, 11 पर। ए का अपोजिट कितने पर होता है, 26 पर। एन का अपोजिट कितने पर होता है, 13 पर। एम बी ओ लेकर आना है, तो एम कितने पर है हमारे पास, 13 पर। बी कितने पर है आपका, 2 पर। ओ कितने पर है, 15 पर। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। लॉजिक क्या है, यहाँ पर पहले उनका रिवर्स लिखोगे और रिवर्स के अंदर +2 +2 यहाँ पर कर दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के अंदर हो रहा है 14, 14 का अपोजिट कितने पर होता है, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। ए एक पर अपोजिट 26 पर, तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो बी आएगा। यहाँ पर पी 16, 16 का अपोजिट 11 पर, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका अपोजिट कर दो, पी 16 पर तो अपोजिट 11 पर, ओ 15 पर अपोजिट 12 पर। तो
20 पर तो अपोजिट 7 पर। अब इनमें प्लस टू प्लस टू प्लस टू कर देना है, तो 13 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो कितना आएगा m। 14 पर क्या होता है आपके पास n और 9 पर होता है i, तो m n i इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 4 आपका यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 13। समय का पहिया चला दिया मैंने, काफी इजी लॉजिक है, दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो चलो भाई क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर, 24 61 122 340, तो लॉजिक यहां पर जो लग रहा है आपका 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस 3 24। नेक्स्ट के अंदर 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, तो 64 में से 3 घटाएंगे तो 61। नेक्स्ट के अंदर 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब 125, 125 में से 3 घटाएंगे 122, 3 4 5। नेक्स्ट वाले के अंदर 6 का क्यूब माइनस 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से 216 में से 3 घटाएंगे तो कितना है आपके पास 213। ठीक है, नेक्स्ट वाले को चेक करो, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 340, तो 213 इसका आपका राइट आंसर बनेगा, इजी लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। चलिए भाई लॉजिक फाइंड आउट करो, 20 में प्लस 13, यहां पर प्लस 14, 14 ही है ना 14, यहां पर कितना आपका 15, नेक्स्ट वाले के अंदर यहां पर कितना है 19 प्लस 19, नेक्स्ट वाले के अंदर कितना है आपका 5 में से 2 गया तो 3, 23 प्लस 23। ठीक है, अब यहां पर लॉजिक देखने की कोशिश करो, कुछ लॉजिक दिख रहा है, कोई भी लॉजिक यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इनका डिफरेंस का डिफरेंस करके देखना है, प्लस 1 यहां पर प्लस 1, नेक्स्ट वाले के अंदर यहां पर कितना था आपके पास 13, फिर आपका 14, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर 15 नहीं आएगा भाई, यहां पर आएगा 16। ठीक है, तो यहां पर प्लस 2, नेक्स्ट वाले के अंदर प्लस 3, नेक्स्ट वाले के अंदर प्लस 4, और नेक्स्ट वाले के अंदर क्या होगा हमारा प्लस 5, 23 प्लस 5 कितना हो गया 28, और 105 में 28 को आपको ऐड कर देना है, तो 105 में 28 को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 133, ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑड वन आउट यहां पर बताना है, इंपॉर्टेंट टाइप है। लॉजिक जो है यहां पर वो ये है कि यहां पर जो टोटल वोवल्स है 1 2 3, टोटल वोवल्स कितने हैं 3, सेकेंड वाले के अंदर 1 2 और 3, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हैं 3, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर वोवल कितने हैं आपके केवल 1, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर कितने वोवल हैं आपके 3, ठीक है, तो ओड वन आउट कौन सा हो गया ऑप्शन सी, ये आपका राइट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, टोटल वोवल्स देखने थे यहाँ पर, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तीनों एक प्रकार के हैं, आपका जो सी ऑप्शन है ये ओड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो जैसे वे अंग्रेजी शब्द कोश में दिखाई देते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर देखो, एसी 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 सब में कॉमन है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड वाले को देखो, क्यों क्यों, यहाँ पर के है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर आर है, ठीक है। तो क्यों तो आपका के बाद में आता है, आर भी आपका के बाद में आता है, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड, ठीक है, ये आएगा। अब इसको भूल जाओ, नेक्स्ट पांच को देखो आप। सभी में क्यों क्यों, आर तो आपका बाद में आएगा, ठीक है, आर आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यों यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, आर हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो पहले हम इन जो बचे हुए हैं आपके, एक दो चार और पाँच, छः हमारा यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। अब छः को भूल जाओ, अब इनको इनका मैच करो, क्यों 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 क्यों, सभी में क्यों कॉमन है। नेक्स्ट यू यू, फिर आता है आपका यू, यू भी है इसके अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर भी यू है। इससे आगे चलो, आई, यहाँ पर आ गया ए, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है आपका, आई, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद हमारा आई आएगा, तो दो आएगा, दो को भी हमने ले लिया है। अब इनको देखो, एक्वी, यहाँ पर यू आई भी है, ठीक है, यहाँ पर भी यू आई है, यहाँ पर भी आपका यू आई है। फिर इसके आगे आपका आता है ये वाला, इसमें ई है, इसमें आपका एस है, यहाँ पर टी है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा हमारा, ई, तो हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। 3 2 1 से स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, एक ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन फोर के अंदर, यही आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया, आप चेक कर सकते हो चौथे और पांचवें हो, इनमें से पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर इतना तो सेम है, ऐसा आपका पहले आएगा, टी बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार और उसके बाद आएगा पांच, तो ये इसका आपका ऑर्डर रहेगा, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। चलिए भाई, रिपीटेड सीरीज का टाइप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को ये मिलेगा। चलिए भाई, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग बना के देखते हैं। पेयरिंग देखते हैं, सबसे पहले टोटल यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर क्या है, ओड नंबर आ गया, 21 आ गया, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं बन पाएगी आपकी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हम ग्रुप पकड़ेंगे और ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, आई के बाद क्या है, एन एन, यहाँ पर क्या है, आई के बाद एफ एफ, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एफ। तो एफ के बाद क्या है, एफ से पहले क्या है आपका, एफ ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, एफ, तो एफ से स्टार्टिंग हमारी होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक सेकंड वाला जो ग्रुप है हमारे पास, आई एन एन का है, यहाँ पर क्या है आपका, आई फिर स्पेस है फिर एन है, तो आई के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा, आएगा ना, ये ग्रुप जो देखो आई एन एन का, ठीक है, यहाँ पर एन था, तो एन से पहले भी क्या आएगा आपका, एन आएगा। तो सेकंड प्लेस पे क्या है हमारा, एन है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, सेकंड ही आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ग्रुप देखने को मिल गया होगा, वो क्या ग्रुप है, आई एफ, आई एफ एफ आई एन
एंड डी, ये ग्रुप यहां पर आपका बन गया है। ठीक है, अब इसको भर भी सकते हो आप। यहां पर देखो आई एफ एफ, आई एन के बाद क्या है, एन। ठीक है, आई एफ एफ आई एन एन डी, यहां पर क्या आएगा, यहां पर भर सकते हो आई, यहां पर क्या आएगा आपका आई, डी के बाद क्या है आपका आई, फिर एफ, फिर एफ के बाद क्या आएगा एफ, फिर दोबारा से आएगा फिर आई 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 एन एन, और यहां पर क्या आएगा आपका डी। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए भाई, समय का पहिया चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड का भी नहीं है। तो चलो भाई, लॉजिक क्या है, 12 का स्क्वेयर प्लस 10 कितना आएगा आपके पास, 154। यहां पर 20 का स्क्वेयर प्लस 10 कितना आएगा आपके पास, 410। यहां पर चेक कर सकते हो 32 का स्क्वेयर प्लस 10, तो 1024 प्लस 10, 1034, तो 410 इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चलो भाई पहले इस साइड मोड़ा गया, फिर ये मोड़ा गया आपका इस साइड। ठीक है, तो अब इसको इस साइड में खोलेंगे, इस साइड में खोलेंगे तो ये फेस जो आपका ऐसे हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा किस किस ऑप्शन के अंदर है ये फेस, इस साइड में फर्स्ट वाले के अंदर है, सेकंड में नहीं है, सी में है आपका और डी में है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ऊपर की तरफ खोलेंगे तो इनका जो फेस है वो कैसे होगा, इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है ये कहां पर देखने को मिले, नीचे या ऊपर, यहां पर आएगा या ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये वाला ऐसा देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ खोलेंगे तब। तो इस प्रकार किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, समय का पहिया चल चुका है। फाइंड आउट कर लिया होगा, चलो भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, सर्कल, सर्कल कहीं पर दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा, तो गलत। नेक्स्ट बी वाले को चेक करो, बी वाला आपका कहाँ पर है, बी वाला इसके अंदर एम्बेडेड है, ये रहा। ये वाला जो फिगर है बी वाला इसके अंदर निहित है, यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है आपको, वो आकृति बतानी है जो क्वेश्चन फिगर के अंदर एम्बेडेड है, यानी कि सन्निहित है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसके अंदर आपका क्या है, एम्बेडेड है, तो आपका बी आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, तो मिलते हैं।